व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज करेंगे हम इस टाइप की फोटो एडिटिंग, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। उससे पहले और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब। बैकग्राउंड की लिंक नीचे दी गई है। सबसे पहले हम ऐड फोटो में जाएंगे, यहाँ से मॉडल को सिलेक्ट कर लेंगे, कटआउट टूल से मॉडल के बैकग्राउंड को रिमूव कर लेंगे। सिंपली इसके आसपास इस तरह से लाइन फेर देनी है। नेक्स्ट स्टेप, और जो भी बचा कुचा पार्ट है उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। फोटो कट हो चुकी है, यहाँ से सिंपली कर देंगे हम इसे सेव। इसके बाद हम एडजस्ट करेंगे, ये यहाँ पर हो चुका है हमारा एडजस्ट। रबड़ में जाके इसकी ऑपेसिटी कम करेंगे, हार्डनेस भी कम, और सिंपली यहाँ पर इसे फेरेंगे नीचे की तरफ, जिससे कि बैकग्राउंड से मैच हो जाएगा। डन, यहाँ से भी डन। इसके बाद हम वापस से एड फोटो में जाएंगे और इस PNG को ले लेंगे। इसकी लिंक नीचे दी गई है, और सिंपली इसे बड़ा कर लेंगे और हल्का सा ऑपेसिटी कम हो चुका है, यहाँ पर डन कर देंगे। इसके बाद हम टेक्स्ट लिखने के लिए टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाके इंस्टाग्राम लिखेंगे। आप जो भी सोशल मीडिया का नाम लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। हो चुका है यहाँ पर, और यहाँ से हम फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब इससे नीचे ये वाला ठीक है, इसको हम जमा लेंगे अपने हिसाब से। इसके बाद हम वापस से टेक्स्ट पे जाएंगे एक बार, और अपना यूज़र नेम लिख देंगे। यूज़र नेम डालने के बाद डन करेंगे, और यहाँ पर इसको एडजस्ट करके इंस्टाग्राम के नीचे कर देना है। इस तरह से शेयर ओपेसिटी कम, इसकी भी ओपेसिटी कम कर देंगे। इसके बाद डन। अब डायरेक्टली नीचे जाएंगे और ड्रा टूल में इसे सेव कर लेंगे, इससे कि फ़ोटो HD में सेव होगी। इसके बाद हम होम पे जाएंगे और Lightroom एप्लीकेशन में जाएंगे, इसकी भी लिंक नीचे दी गई है एड फोटो में, और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे हम फोटो। इसके बाद ऑल फोटोज़ में जाएंगे, अब फ़ोटो पे टच करना है। इसके बाद लाइट वाले ऑप्शन में जाके कॉन्ट्रास्ट को कम करेंगे, शेडोज़ को बढ़ाएंगे, और हाईलाइट को भी थोड़ा कम कर लेते हैं। इसके बाद नीचे वाले ऑप्शन में जाके इसके वाइब्रेशन को बढ़ाएंगे, सेचुरेशन को कम, और मिक्स वाले टून में एडजस्ट कर लेंगे। ये ठीक है, इसको भी कम करेंगे, इसको भी थोड़ा कम, इसको हम इतना कम कर लेते हैं। ये ठीक है, इसको भी थोड़ा कम, ये ठीक है। हल्का कम, इसको बढ़ाएंगे और डन। इसके बाद हम इस वाला ऑप्शन में जाएंगे, सिंपली Arctic 3 को सिलेक्ट करना है, और इसकी ओपेसिटी 19% कर देनी है, 92, ठीक है, डन। इसके बाद हमें गोल वाला ऑप्शन में जाना, टेक्सचर को कर देंगे बढ़ा लेंगे, क्लैरिटी भी बढ़ा लेंगे, इग्नाइट को कम, मिड पॉइंट को बढ़ा लेंगे, फेदर को बढ़ा लेंगे, और ये वाला ऑप्शन को थोड़ा कम कर लेते हैं,
ग्रेन अमाउंट को बढ़ाएंगे। इसके बाद हम शार्पनेस वाले ऑप्शन में चलेंगे, त्रिकोण वाले, और शार्पनेस को बढ़ाएंगे हम, रेडिएशन को कम, डिटेल को ज़्यादा, मास्किंग वो सभी बढ़ा लेंगे। यहाँ पर हमारी एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो सिंपली हमें इसे सेव कर लेना है। जाने से पहले अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो लिंक नीचे दी गई है, जाके इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो करें।